हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड SS का चैप्टर नंबर 14। उसका नाम है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुरक्षा और संरक्षण रिसोर्सेज का, जो हमारे यहाँ पे स्रोत हैं, स्रोतों का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। रिसोर्स, नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ एंड यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। प्राकृतिक चीज़ें जो इस पृथ्वी पर है और जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, उसे बोलते हैं हम रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर अ नेचुरल गिफ्ट वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड मिनरल्स। जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमें प्रकृति की देन है, जैसे कि पानी, हवा, भूमि, पौधे और खनिज तत्व। रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी रिसोर्स को बोला जाता है, स्रोतों को बोला जाता है। दे आर द पिलर ऑफ द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये लोगों के लिए पिलर का काम करते हैं, उनके लिए एक ताकत होती है। रिसोर्सेज हैव स्पेसिफिक फीचर एंड यूटिलिटीज। रिसोर्सेज जो होते हैं उनका फीचर्स भी स्पेशल होता है और उनकी उपयोगिता भी स्पेशल होती है। जनरली रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। सामान्यतः जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध होते हैं। वी शुड यूज डिफरेंट टेक्निक टू मेक दोज रिसोर्सेज मोर यूजफुल। हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं इन रिसोर्सेज को यूजफुल बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन ऑल एक्टिविटीज टेकिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, डायरेक्टली यूजफुल हो या फिर इनडायरेक्टली। ये एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक या ट्रांसपोर्टेशन तक जो है काम में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वेजिटेशन एंड लैंड आर यूजफुल टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड, फ्यूल एंड एनर्जी। जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि खाने के रूप में, फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में। रिसोर्सेज आर जनरली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। रिसोर्सेज को जनरली टू ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एंड मैन मेड। लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल रिसोर्सेज। इट ऑल्सो फॉल इन टू कैटेगरीज। जो रिसोर्सेज हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। जैसे देखो, लैंड, वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट आर इंक्लूड इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है लैंड है, वाटर है, मिनरल है, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। इट ऑल्सो फॉल, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक तो है बायोटिक और एक है अबायोटिक। लैंड, एयर, वाटर एंड सोयल आर अबायोटिक, वेरियस फॉरेस्ट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक कौन कौन से होंगे? लैंड, एयर और वाटर। और बायोटिक कौन कौन से होंगे? फॉरेस्ट एंड एनिमल। इंडस्ट्रियल यूनिट, मॉन्यूमेंट, आर्ट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आर मेन मेड रिसोर्सेज। मेन मेड रिसोर्सेज अब कौन कौन से वो देख लिए, जैसे इंडस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्ट्स है और सोशल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब क्या है? मेन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल, हेल्थ एंड अदर क्वालिटीज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स इज नेसेसरी। जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानवीय स्रोत है, उसके अंदर दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग स्किल्स होती है, हेल्थ होती है, उस वजह से उनकी क्वालिटी की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम विकसित कर सकते हैं। देयर आर सम रिसोर्सेज विच रिप्लेनिश देमसेल्व। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अपने आप ही अपने को रिप्लेनिश कर देते हैं, जैसे कि ट्रीज है, लीव्स है, एनिमल एंड बर्ड रिन्यू नेचुरली। ये क्या? प्राकृतिक रूप से अपने आप रिन्यू होते हैं, ट्रीज, लीव और एनिमल, बर्ड्स। दस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कीप रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स एट अ सर्टेन टाइम। और जो फॉरेस्ट होता है और जो वाइल्ड लाइफ होती है वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस होती है। और जो ट्रीज, लीव्स, एनिमल, बर्ड, ये क्या होते हैं? रिप्लेनिश होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का संरक्षण। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है ये लिमिटेड हैं, वाइल ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। जबकि
मानव की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है. द यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इफ वी डोंट थिंक सीरियसली अबाउट दिस सिचुएशन वी विल हैव टू सफर एडवर्स कॉन्सिक्वेंस. ये जो जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो पॉपुलेशन बढ़ने के लिए हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, इच्छाओं के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और इन कारणों के कारण ये जो इनका उपयोग है नेचुरल रिसोर्सेज का वो भी लगातार सीरियस तरीके से बढ़ता जा रहा है. अगर हमने इसके बारे में सीरियसली होकर के नहीं सोचा तो भविष्य में हमें इसका परिणाम होगा. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम. इसका परिणाम होगा कि हमें इन नेचुरल रिसोर्स के बिना रहना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट्स इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. इसीलिए ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम इसे बचा करके रखें. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो ये रिसोर्सेज है उनका हम न्यायपूर्ण तरीकों से उपयोग कर सके. सम रिसोर्सेज आइदर रिप्लेनिश देयर शेयर ऑन देयर ओवन और दे आर अनलिमिटेड. सच रिसोर्सेज आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपने आप रिन्यू कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि फॉरेस्ट है, सनलाइट है. फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज एंड रिक्रिएट वंस इट इज यूज, सच एज पेट्रोलियम, मिनरल, कोल एंड नेचुरल गैस. ये जो पेट्रोलियम है और ये क्या है, ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये लिमिटेड होते हैं. फिर देखिए यहाँ पे आपको रिसोर्स के बारे में नाम दिया गया है. रिसोर्स देखिए, लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, एनिमल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स. इन एडिशन टू दिस द ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ रिसोर्स. इनके साथ में जो ह्यूमन बींग है उसे भी एक रिसोर्स के रूप में माना गया है. दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, रिट्रूएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. जो इनका उपयोग होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो ऑनरशिप है, जैसे कहाँ से वो रिसोर्स हमें प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग बाटों में, भागों में बांटा गया है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में. सॉयल फॉर्मेशन, लैंड रिसोर्स में सबसे पहले है सॉयल फॉर्मेशन. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज सरफेस ऑन विच वेजिटेशन यूजली ग्रो इज कॉल्ड सॉयल. पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले लेयर में जहाँ पे वेजिटेशन होती है, वनस्पति उगती, उसे हम बोलते हैं सॉयल, मिट्टी. द सॉयल इज अ थिन लेयर मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल ऑफ द अर्थ क्रस्ट. स्मॉल एंड लार्ज पीसेज ऑफ रॉक, ग्रेवल, क्ले, ऑर्गेनिक सिल्ट आर कॉल्ड रेगोलिथ. इन इट ऑर्गेनिक एलिमेंट, एयर एंड वाटर आर मिक्सड एंड सॉयल इज फॉर्म्ड. इन कॉन्टेक्स्ट टू फार्मिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ सॉयल इट हैज. मिट्टी जो है अपने पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे हमें जो क्रॉप है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम खेती करते हैं, जहाँ पे वनस्पति उगती है, उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स भी मिक्स होते हैं. पत्थर भी होते हैं, क्ले कीचड़ भी होता है. इसे हम रेगोलिथ बोलते हैं. और किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी कैसी है. अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उसका कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ द सॉयल. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हैज़ क्लासीफाइड द इंडियन सॉयल इंटू 8 टाइप. इंडियन सॉयल को 8 प्रकार में बांटा गया है. एल्यूवियल सॉयल, रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, लैटराइट सॉयल, डेजर्ट सॉयल, माउंटेनियस सॉयल, फॉरेस्ट टाइप सॉयल एंड स्वैम्प टाइप सॉयल. ये है हमारे मिट्टियों के प्रकार, इसे आप लर्न कर लीजिएगा. फिर है सॉयल इरोजन एंड कंजर्वेशन. अब मिट्टी को क्या है, मिट्टी को बहने से रोकना, मिट्टी का बह जाना और उसको रोकना, इसका मतलब है सॉयल इरोजन एंड कंजर्वेशन. सॉयल इरोजन इज अ कॉज बाय फ्लोइंग वाटर और एयर. द रैपिड माइग्रेशन ऑफ टॉप सॉयल पार्टिकल बाय नेचुरल फोर्सेज इज कॉल्ड सॉयल इरोजन. ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉयल इज रिड्यूस, इट शुड बी प्रिवेंटेड.
जो मिट्टी होती है ये पानी के साथ में, मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं पानी और हवा के साथ में बह जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम सॉयल इरोजन। इसको अगर हम नहीं रोकेंगे सॉयल इरोजन को, तो इसके जो पोषक तत्व के हवा और पानी के साथ में बह जाने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो मिट्टी की कम हो जाएगी। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन। ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन फॉलो लैंड। स्टेप फार्मिंग शुड बी डन वेयर देयर इज स्लोपिंग लैंड। जहाँ पे भी स्लोपिंग लैंड हो वहाँ पे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, ताकि वहाँ से मिट्टी बह करके आसानी से ना जा सके। अ बैरियर शुड बी बोल्ट। ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड शुड बी कंट्रोल्ड। यहाँ पे जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ होती है उसे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो घास वगैरह उगती है उससे वहाँ की मिट्टी उसी जगह पे बंधी रह सके। फिर है लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन मीन्स मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी बी प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। जो लैंड कंजर्वेशन का मतलब है कि सॉइल इरोजन के कारण जो नुकसान होता है उसे रोकना। ग्रो ट्रीज और ऑन रिवर रेवेन्यूज एंड माउंटेनियस स्लोप टू प्रिवेंट वाइन गस्ट इन द एरियाज क्लोज टू द डेजर्ट। ग्रो रो ऑफ ट्री। जो इसमें ही बोला गया है कि अगर माउंटेन वाला है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए, और भले डेजर्ट वाला एरिया तो वहाँ पे भी प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग शुड बी प्रिवेंटेड। जो अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, पशु जो कहीं पे भी जाके चारा चरने लग जाते हैं, उसे क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। द ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू द सॉयल विच हैज़ लॉस्ट इट फर्टिलिटी। दस कोलैबोरेटिव एफर्ट शुड बी कैरीड आउट बाई ऑल टूगेदर। इसमें क्या होता है कि अगर सॉइल इरोजन होगा, द ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। इसके वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। दस कोलैबोरेटिव एफर्ट शुड बी कैरीड आउट बाई ऑल टूगेदर। इसी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऐसी कोई चीज़ मिक्स मिट्टी में ना हो। फिर है वाटर रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर ऑन द अर्थ इज़ अबाउट 3%। हमारे यहाँ पे जो पानी की जो मात्रा है वो 3% है। 1/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। वाटर इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर। हमारी जो पृथ्वी का है एक तिहाई भाग पानी से ढका हुआ है, और पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है, प्रकृति का हमें दिया गया उपहार। वाटर इज़ अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर बेसिक डेली ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। वाटर रिसोर्स इंक्लूड ओशियन बेस, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ये पानी है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, जो रोजिंदा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उसमें काम आती है, खेती में काम आती है, इंडस्ट्रीज़ में पानी काम आता है। और पानी के सोर्सेज क्या है, जैसे ओशियन है, बे है, रिवर है, लेक है, ग्राउंड है, ये सब पानी के रिसोर्सेज हैं। और पानी का जो मेन रिसोर्स है वो है रेन, रिसोर्स ऑफ द सरफेस। ऑल सोर्सेज आर एट्रीब्यूटेड टू रेनफॉल। सरफेस वाटर सोर्स इंक्लूड रिवर, लेक, पोंड, स्प्रिंग एक्सेट्रा। अमंग देम रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स। इन सबको मिला के ये कहा जाता है कि बारिश के कारण जो पानी आता है उसके कारण जो रिवर होती, लेक होती, पोंड होती है, इन सब में भी ये भी पानी के सोर्सेस बन जाते हैं। इसमें भी पानी कहाँ से आता है, रेन से ही आता है ना, तो मेन सोर्स क्या हुआ, रेन। फिर वाटर स्कैरसिटी। वाटर इज़ ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती उपहार है पानी। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बेनाइजेशन एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग द डॉट। करेंटली द क्राइसिस ऑफ वाटर स्कैरसिटी इंक्रीजिंग इन मैनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की कमी होने लगी है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्जर्व्ड। देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसे जहाँ पे पीने के पानी की भी कमी है। 8% द ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ ड्रॉप्ड सिंस ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ट्यूबवेल। टूडे कंट्री इज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम लाइक डीप क्लीनिंग अवेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग स्कैसिटी ऑफ
वाटर. अभी ये सभी देशों में ये जो पानी की समस्या है उसे फेस किया जा रहा है. क्या है कि जैसे ट्यूबवेल खुलती खोदते हैं हम, तो ट्यूबवेल की वजह से जो पानी आता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, इससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है. मेंटेन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. टूडे लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल. आजकल जो है वो पानी का बहुत ही लिमिटेड अमाउंट हमें अवेलेबल है. पॉल्यूटेड वाटर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. सो प्रूडेंट यूज ऑफ वाटर एंड मेजर टू मेंटेन इट इज़ वेरी नेसेसरी. पॉल्यूटेड वाटर जो है वो अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इस वजह से जो इस पानी को मेंटेन करना, इसके मेजर को मेंटेन करना वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है. वाटर इज अवर शेयर्ड रिसोर्स. फॉर वाटर प्रिजर्वेशन कॉमन रेमेडी शुड बी डन नेसेसरली सच एज बोल्ड मोर एंड मोर रिजर्वियर मेक एफर्ट टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर लेवल अप. पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके काम में लिए जा सकते हैं. बहुत सारे रिजर्वियर बनने हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसे हम अप कर सके. मेजर शुड बी ऑल्सो बी टेकन टू स्टॉप एंड कलेक्ट रेन वाटर. और ये भी किया जा रहा है कि जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करके हम रखें, ताकि उससे भी जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ सके. सच एज कंस्ट्रक्टिंग डैम, रिचार्ज वेल, फार्म पॉन्ड एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिंग अवेयरनेस एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन. इसी पानी को सुरक्षित करने के लिए डैम बनाए गए हैं, कुएँ जो रिचार्ज होते हैं अपने आप वैसे कुएँ बनाए गए हैं, पॉन्ड बनाए गए हैं. इससे क्या हो, पानी हम इकट्ठा करके रख सकते हैं. इसी के साथ में जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो जनता, उन्हें भी अवेयर होना पड़ेगा और पानी को बचाना पड़ेगा. वाटर शुड बी यूज स्प्रेंगली इन गार्डन एंड टॉयलेट, प्रोटेक्ट रिजर्वियर एंड रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन. इसमें बताया गया कि जो गार्डन है उसमें पानी को अपन जैसे एक साथ डाल देते हैं ऐसे नहीं डालना, आपको स्प्रिंग फवारे के जैसे गार्डन में पानी देना और टॉयलेट में भी फवारे के जैसे पानी को यूज़ करना है. प्रोटेक्ट रिजर्वियर एंड रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन. जो ये रिजर्वियर जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, जो नदियाँ हैं उन्हें भी पॉल्यूटेड होने से बचाना है. यूनिट विच यूज ग्राउंड वाटर शुड बी मॉनिटरेड. जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरेड करना पड़ेगा, जितने भी ग्राउंड वाटर की यूनिट्स हैं उन सभी को. फिर है मिनरल रिसोर्स. अब हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्स के बारे में. ईयर एगो ह्यूमन बींग यूज टू मेट ऑफ स्टैंड फॉर हंटिंग. बहुत साल पहले की बात है कि जो ह्यूमन है वो पत्थरों के औजार उपयोग में लेता था शिकार करने के लिए. दिस मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड मिनरल इज़ वेरी ओल्ड एंड क्लोज. जो मिनरल्स से जो रिलेशंस हैं ह्यूमन बींग के, वो बहुत ही पुराने और बहुत ही नज़दीकी रिश्ते हैं. द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन ह्यूमन कल्चर आर नोन बाय द नेम ऑफ मिनरल. जो एक स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो मानव के विकास का एक स्टेज है, उसे मिनरल के नाम से भी जाना जा सकता है. सच एज स्टोन एज, जिसे हम बोलते हैं स्टोन एज. जो इनका विकास होने का एक एज है उसे मिनरल के नाम से भी जाना गया है, जिसका नाम है स्टोन एज. कॉपर एज. द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन कल्चर आर नोन बाय नेम ऑफ मिनरल सच एज स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, प्रेजेंट टाइम ऑफ कोल्ड एंड एटॉमिक एज. इनको अलग अलग जो मिनरल्स के नाम में बांटा गया, सबसे पहले स्टोन एज बोला गया, फिर कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर कॉपर यूज में आया, फिर ब्रॉन्ज यूज में आया तो ब्रॉन्ज एज, आयरन यूज में आया तो आयरन एज, और प्रेजेंट टाइम जो उसे है वो एटॉमिक एज के नाम से जाना जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडिया हैज़ इनफ मिनरल रिसोर्सेज टू कीप पीस विद द रेस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे भारत में है वो मिनरल काफ़ी सारे पाए जाते हैं. मिनरल कंजर्वेशन. मिनरल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे. ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट एंड डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. टेक्निकल के जो तकनीकी के विकास के कारण और जो पॉपुलेशन की डिमांड के कारण, जो बढ़ती ही जा रही डिमांड है उसके कारण, एक्सट्रीम कंज्यूम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ रीच्ड इट पिनेकल आफ्टर द इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन, एक्सट्रीम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मिनरल खनिज का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टिंग सम मिनरल, इसी कारण से कुछ खनिज जो है वो बहुत ही कम हो गए हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर यूज एक्सटेंसिवली टूडे, मिनरल यूज सच अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉस्टन, जो मिनरल है उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो सबसे ज़्यादा अनरिन्यूएबल है, जिसको हम जितना यूज़ करेंगे उतना वो ख़त्म ही होता जाएगा, वो है पेट्रोलियम। हैंस मिनरल रिसोर्स शुड बी यूज वेरी जुडिशली, इसलिए जो मिनरल रिसोर्स है उनको बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग में लेना चाहिए। इट्स कंजर्वेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेविंग, इसकी सुरक्षा ही, इसकी सुरक्षा को के जो प्रकार है वो हमें ढूंढने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अल्टरनेटिव टू द मिनरल्स, और इन मिनरल्स का जो अल्टरनेटिव है वो भी हमें फाइंड करना चाहिए, दैट आर द ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ताकि उनको ख़त्म होने से हम बचा सके। वेर एवर इट इज़ पॉसिबल अ प्रोसेस शुड बी डन बाई रिसाइकल मिनरल, और हो सके तो मिनरल का रिसाइकल भी करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस आर एट्रीब्यूटेड टू वेरियस रिसोर्सेज, ह्यूमन जो मानव है वो एंड प्रोग्रेस आर एट्रीब्यूटेड टू वेरियस रिसोर्सेज, उनके जैसे जैसे ह्यूमन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके जो स्रोतों की खोज है और वो प्रकार है वो भी अलग अलग वो ढूंढते ही जा रहे हैं। वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर वेरियस नीड टू बाई टेकिंग वेरियस थिंग फ्रॉम नेचर, हम हमारी इच्छाओं को प्रकृति से जो रिसोर्स है उनको लेकर के अलग अलग तरीक़ों से हमारी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं। एमंग दीज फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और इसी बीच में हमारी इच्छाओं के बीच में फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो यूनिक एंड डाइवर्स, वाइल्ड लाइफ भी एक यूनिक और डाइवर्स सबसे अलग है। ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फॉरेस्ट इन द इंडियन कल्चर, जंगलों को हमारे भारतीय संस्कृति में एक अलग स्थान दिया गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, अब पढ़ेंगे फॉरेस्ट की उपयोगिता के बारे में। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, टीक एंड साल वुड इज़ यूज एज टिम्बर, टीक और साल की लकड़ी को टिम्बर के रूप में यूज़ किया जाता है। होम फर्नीचर एक्सेट्रा, होम फर्नीचर के रूप में भी उस लकड़ी को यूज़ किया जाता है के लिए। आर मेड फ्रॉम इट, स्पोर्ट आर्टिकल आर मेड फ्रॉम कैदर एंड पाइन, जो स्पोर्ट आर्टिकल है वो कैदर और पाइन वृक्ष से बनते हैं। बास्केट पेपर रेयन एक्सेट्रा कैन बी मेड फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू से बास्केट पेपर रेयन बना सकते हैं। वी गेट लिक्विड ग्लू हनी हर्ब एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल लिविंग इन इट, जो फॉरेस्ट है उनको जिंदा रहने के लिए, फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें भी कौन अवेलेबल करवाता है, फॉरेस्ट। अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस द एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑल्सो स्पेशल, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल किसके ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, जितने जंगल होंगे, जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे, उतना ही हमारा एनवायरमेंटल क्या होगा, एनवायरमेंट शुद्ध होगा एकदम। फॉरेस्ट रिटेन मॉइस्चर बाई प्रिवेंटिंग क्लाइमेट फ्रॉम बीइंग एडवर्स, मोर एवर इट इज़ यूजफुल टू ब्रिंग मोर रेनफॉल, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू कंजर्विंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। फॉरेस्ट कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, ये बारिश लेकर के आता है, ये हमारे जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, ग्राउंड वाटर लेवल को घटने से बचाता है, और ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है हमारे एटमोसफियर में से। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ वेरी लेस, इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ही कम है। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आर इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है, जंगलों की तादाद ज़्यादा है। द फॉरेस्ट कवर इन माउंटेनियस रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ मोर देन 60%,
और फॉरेस्ट जो है माउंटेनियस रीजन का 60% जो पार्ट है वो फॉरेस्ट कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2017-18 आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ गुजरात फॉरेस्ट कवर इज 11.18%। जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 17-18 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का 11.18% भाग जो है वो जंगल कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाई फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज ओनली अबाउट 23%। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग अपना जो कंट्री होती है जो लैंड होता है उसका 33% जो भाग है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए, जबकि हमारे इंडिया का सिर्फ 23% भाग ही फॉरेस्ट है। मतलब 33 होना चाहिए उसकी जगह 23 है, ये मतलब लेस कवर एरिया है अपने इंडिया में। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। टुडे फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग रैपिडली। आजकल क्या है कि जंगल बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। डिक्रीजिंग फॉरेस्ट हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। जंगलों का ख़त्म होना दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देयर आर मैनी रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के। ड्यू टू ग्रीडीनेस ऑफ मैन टू गेट लैंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज टिम्बर अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग रैपिडली। ये जो हमारे जो मैन है जो इंसान है उनकी लालच के कारण जो जंगल है वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं उनकी इच्छाओं के कारण। जैसे लकड़ी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, कौन यूज़ करता है, इंसान यूज़ करता है। इंसान जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लकड़ियों का यूज़ भी होता जा रहा है और जंगल लगातार कटते जा रहे हैं। रहने के लिए जगह चाहिए तो हम जंगल काटेंगे। देखिए आगे बताया गया, ड्यू टू द हैपर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट द एनवायरनमेंट हैज सफर्ड सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। इसके जो है कि जैसे जैसे जो जंगल कटते जा रहे हैं उसके कारण से कैसे कैसे परिणाम उत्पन्न होते जा रहे जो बताए गए, किस का परिणामों के कारण जो जंगल है वो कटते जा रहे वो बताए गए। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन रेनफॉल। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है रेनफॉल घट रहा है, ड्रॉट अकाल पड़ रहा है, सॉइल इरिजन मिट्टी निकल रही है, एंड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर रिड्यूसिंग नंबर्स। जो वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रॉइंग नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्यता जो है ख़त्म होती जा रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू शो कंपेंसेशन टू लिविंग बींग। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई लॉ। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। जो हमारे भारत का संविधान है उसके अंदर जंगल को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भी प्रावधान दिया गया, अगर उसको हम नहीं बचाते तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। सम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर आर एज फॉलो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी डन थ्रू एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। जो जंगलों की सुरक्षा है उसको हम एनवायरनमेंट एजुकेशन से भी लोगों का अवेयरनेस कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज़। काफ़ी सारी जो प्रतियोगिता है एक्टिविटीज़ है ऐसी करनी चाहिए जिससे जंगलों की उपयोगिता को हम समझ सकें, समझा सकें। टू इम्प्रूव द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो जगह है वो बढ़ा दी जाए। ट्री प्लांटेशन शुड बी डन ऑन फैलो लैंड। जो ज़मीन है वहाँ पर प्लांटेशन बढ़ाया जाए, पेड़ों की प्लांटेशन बढ़ाया जाए। टू फॉर्म एन इको क्लब इन द स्कूल एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़। इको क्लब की स्थापना की जाए स्कूल में। टू गिव इम्पोर्टेंट टू द प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटेशन और वन महोत्सव, ऐसे प्रोग्रामों को इम्पोर्टेंस दी जाए। डिफरेंट डे ऑफ सेलिब्रेशन, अलग अलग डे सेलिब्रेट करनी चाहिए। जैसे 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड 29 दिसंबर बायोडाइवर्सिटी डे। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। India's wildlife is diverse. हमारे जो भारत में वाइल्ड लाइफ है वो उसमें काफ़ी विभिन्नता है। वेरियस स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड वेरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट है, काफ़ी सारे एनिमल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड फिशेज। बर्ड और फिशेज की स्पीसीज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन रेप्टाइल मैमल एंड एम्फीबियन। ऐसी ही बहुत ही जो डाइवर्सिटी विभिन्नता है वो रेप्टाइल मैमल और एम्फीबियंस में भी
पाई जाती है। कश्मीरी डियर एंड वाइल्ड गॉट आर फाउंड इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एलिफेंट आर फाउंड इन उत्तराखंड, कर्नाटक, केरला, असम एक्सेट्रा। द वन हॉर्न रिनोसिरस इज अ यूनिक एनिमल ऑफ इंडिया। इट इनहैबिट इन असम एंड इन स्वैम्पी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। गुटखर्स आर फाउंड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड द एडजॉइनिंग एरिया। कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है, उसके प्लेसेस, एनिमल का नेम और प्लेसेस का नाम बताया गया इसमें। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर ऑल थ्री एनिमल लाइक लॉयन, लियोपार्ड एंड टाइगर आर फाउंड। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लॉयन, लियोपार्ड और टाइगर दो तीनों पाए जाते। द लॉयन लाइव इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर इन गुजरात। टाइगर आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड डिफरेंट रीजन ऑफ हिमालय। टाइगर कहाँ का पाए जाते, उस जगह का नाम बताया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर इज वन ऑफ द 8 स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो 8 स्पीसीज में से एक है। बियर आर फाउंड इन दांता, जैसोर, विजयनगर इन द एरिया ऑफ देडीपाड़ा एंड रत्नमहल इन गुजरात। बियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन जगह का नाम बताया गया है। फिर बर्ड स्पीसीज लाइक डॉग, पैरट, काबर, पिजन, मायना एक्सेट्रा आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन इंडिया। नल सरोवर, जो बर्ड्स के लिए स्पेशल जगह कौन सी है, नल सरोवर। नल सरोवर इन गुजरात इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड इन विंटर। विंटर में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, बाहर से पक्षी आते हैं नल सरोवर पर। फ्लैमिंगो, जिसमें सबसे फेमस किसका नाम है, फ्लैमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। फ्लैमिंगो जो है, सॉरी ये माइग्रेट बर्ड नहीं, फ्लैमिंगो जो है वो भारत गुजरात का स्टेट बर्ड है। मैकरल, प्रान, बॉमला, शार्क, डॉल्फिन, सैल्मन एक्सेट्रा द स्पीसीज ऑफ फिश आर फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया में कौन कौन सी फिशेज पाई जाती है, मैकरल, प्रॉन, बॉमला, शार्क, डॉल्फिन, सैल्मन एक्सेट्रा। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ डियर एंड मैनी स्पीसीज ऑफ स्नैक आर फाउंड। भारत में बहुत सारे डियर पाए जाते हैं और काफ़ी सारे स्नैक्स भी पाए जाते हैं। रेड पांडा आर फाउंड इन द स्नो फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय में कौन सा पांडा पाया जाता है, रेड पांडा। फिर है एंड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, जो ऐसी वाइल्ड लाइफ जो ख़त्म होने की कगार पे हैं। टाइगर फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात एंड चीता फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एक्सटिंट। ये कैसे हैं, एक्सटिंट होने वाले हैं। सम एंडेजेंट स्पीसीज इंक्लूडिंग द बर्ड लाइक स्पैरो, वल्चर, स्टॉक, ओवल क्रेन एंड एनिमल लाइक गारियल, क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ये भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। ऑटर्स फाउंड इन रिवर ऑफ गुजरात लाइक नर्मदा, तापी एंड साबरमती एक्सेट्रा आर इन डेंजर। यहाँ पे जो ख़त्म होने की कगार पे हैं एनिमल्स, उनके नाम पे बताए गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंतुओं जगत है, जंतुओं का जगत, उसको ख़त्म होने से कैसे बचा सकते हैं। लॉ हैव बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉर सेंचुरीज। हिस्ट्री रिकॉर्ड दैट एम्पीरियर अशोका एनेक्टेड लॉ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ये हिस्ट्री, इतिहास का भी ये रिकॉर्ड है कि जो एम्पीरियर अशोका थे, उन्होंने भी इन जंतु जगत को बचाने का, सुरक्षा करने के लिए कई लॉ, नियम, कानून लगाए थे। इवन टुडे देयर आर लॉ फॉर द सेम स्टेट वाइल्ड लाइफ इज फॉर्म्ड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। अदर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वर्क फॉर इट। अभी जो है जंतु जगत को बचाने के लिए काफ़ी सारे नियम कानून लगाए गए हैं, काफ़ी राज्यों में लगाए गए हैं, और बहुत सारी जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। फॉलोइंग लीगल स्टेप शुड बी टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें लीगल स्टेप के बारे में बताया गया है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट टू स्टॉप टू कर्ब वाइल्ड लाइफ एट्रोसिटीज एंड पोचिंग। जो जंगल में जो शिकार किया जाता है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट शुड बी काउंटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। कुछ समय के बाद में जो वाइल्ड लाइफ उसको काउंट किया जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड। जो जंगल है वो वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए जंगलों को काटना भी कम किया गया है। पीपल शुड बी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ, जो जंतु जगत, उनको सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मेक क्विक एफर्ट टू एक्सक्विश फॉरेस्ट फायर। जो ये जंगल में आग लग जाती है उसको रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मेक एफर्ट टू प्रोवाइड
मेडिकल ट्रीटमेंट वाइल्ड लाइफ को जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिले इसके लिए भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। डेवलप प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसको भी विकसित किया जा रहा है। अवेयरनेस शुड बी ब्रॉट थ्रू द मीडिया, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लाई जा रही है लोगों में। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, फूड एंड नेचुरल हैबिटेट शुड बी अरेंज फॉर द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जो जंतु जगत है उनके लिए बाहर से भी जो पानी खाना उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरी की जा रही है। लाइफ ऑफ डेजर्ट रीजन, अब हम डेजर्ट रीजन की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट, डेजर्ट का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि जो जगह गर्म हो उसे हम डेजर्ट रीजन बोलते हैं। हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा, हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी हुज, जो सहारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है दुनिया में। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज़ हॉट एंड ड्राई, रेनफॉल इज़ वेरी लेस इन द वेजिटेशन फ्रीज रीजन ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर रीज, यहाँ पे दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है और रात के समय 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। ये कहा जाता है रेगिस्तान जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर हाई भी बहुत जल्दी होता है और लो भी बहुत जल्दी होता है। फ्लोरा और फोना कैसा है वहाँ का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेट पाम एंड थॉर्नी वेजिटेशन आर फाउंड इन सहारा डेजर्ट, यहाँ पे कैसे कांटे वाली झाड़ियाँ ज़्यादा मिलेगी। ड्यू टू डेजर्ट वेरी लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड, यहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। वैसे सराउंडेड बाई पाम ट्रीज एंड आर फाउंड इन द डेजर्ट, यहाँ पे पाम ट्रीज ज़्यादा मिलते हैं। फॉक्सेज, स्ट्रिप्ड हाइना, डेजर्ट स्कॉर्पियन, चैमलियन, डेजर्ट लिजर्ट एंड स्नैक आर फाउंड इन द रीजन, ये सारे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। फिर है फोक लाइफ, इवन इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ द सहारा फोक लाइफ थ्रॉब, पीपल ऑफ द बेजून तुरंग एंड बैरबर ट्राइब लाइव हेयर, यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है, बेदुइन, तुरंग एंड बैरबर, मतलब यहाँ का क्लाइमेट इतना हॉट है ना कि यहाँ पे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, लोग रहना बहुत कम पसंद करते हैं। मोस्टली दे रेयर एनिमल लाइक, यहाँ पे एनिमल भी बहुत रेयर मिलते हैं जैसे शीप है, गॉट है, कैमल है, वो सब। दे गेट मिल्क, लेदर एंड वूल एंड मेक असेंशियल थिंग ऑफ लाइफ लाइक कारपेट, क्लोथ, वार्म ब्लैंकेट ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इन द वास्ट नाइल वेले, क्रॉप लाइक डेट एंड वीट आर ग्रोन हेयर, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप ज़्यादा मिलती है, डेट और वीट, पानी भी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में मिलता है। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ सहारा, मिनरल ऑयल कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट ऑफ सहारा में। अपार्ट फ्रॉम दीज मिनरल लाइक आयरन, फॉस्फोरस, मैगनीज एंड यूरेनियम आर फाउंड फ्रॉम दीज रीजन, यहाँ पे कौन कौन सी मिनरल मिलते हैं, आयरन, फॉस्फोरस, मैगनीज, यूरेनियम लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ड्रेस्टिक चेंज अक्वेयर इन द फोक लाइफ ऑफ सम रीजन ड्यू टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ मिनरल इंस्टीट्यूट ऑफ मर्ड हाउसेज, यहाँ पे मर्ड हाउसेज देयर आर स्टडी हाउसेज, यहाँ पे क्या कच्चे घर ज़्यादा मकान कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, यहाँ पे शहरीकरण भी हो रहा है, रोडें भी बनाई जा रही है। मैनी पीपल फ्रॉम एब्रॉड कम टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द ऑयल सेक्टर ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे क्या मिनरल सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सारा मरुस्थल का जो एरिया इसका विकास हो रहा है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एब्रॉड से यहाँ पे आते हैं। किसके लिए आते हैं, वो सभी ऑयल सेक्टर के लिए, और इसी कारण से यहाँ की लाइफ जो है ड्रेस्टिक चेंज ऑक्योर इन द फोक लाइफ ऑफ सम रीज़न, जो यहाँ पे मिनरल है इसकी उपयोगिता के कारण लोग आते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, इनको ढूंढते हैं, इसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए तो एम्प्लॉय मिलती है, इस कारण से यहाँ की लाइफ स्टाइल भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। डेजर्ट ऑफ लद्दाख, अब लद्दाख के डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी है, लद्दाख। लद्दाख इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ये कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। टू इट्स नॉर्थ काराकोरम माउंटेन रेंज इज लोकेटेड एंड टू द साउथ जस्कर माउंटेन रेंज इंडस इज द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, जस्कर है और काराकोरम है, और रिवर कौन सी है, यहाँ पे इंडस रिवर है। द एयर हियर इज वेरी थिन एंड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड, इन समर टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर मे ड्रॉप बिलो
-30°C. रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी लेस है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है लद्दाख का। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। फ्लोरा एंड फौना, द स्नो डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ एरिड ड्राई क्लाइमेट सो इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। लद्दाख में जैसे क्लाइमेट क्या है कि बहुत ही कम होता है, मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन कम होती है। ओनली शॉर्ट ग्रास इज फाउंड, यहाँ पे छोटी छोटी घासें ही मिलती है। दिस इज़ यूज फॉर ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पे जो ग्रास कैसी होती है, छोटी होती है। दिस इज यूज फॉर ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल के खाने के लिए ये वाली घास काम लगती है। केदार एंड पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड इन दिस एरिया, केदार एंड पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड इन वैली रीजन इन लद्दाख। वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स सच एज देव चकली, रेड स्टार, चूकर, ग्रानला, स्नो पेट्रीज, स्नो कॉक ऑफ तिब्बत, रेवन एंड हुपू इज फाउंड। यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं उनके नाम लिखे गए हैं। फिर वाइल्ड एन एनिमल, स्नो लियोपार्ड, रेड फॉक्स, मार्मोट, लार्ज स्क्वायरल, ओकर बियर एंड हिमालया ताहर आर फाउंड। ये यहाँ पे एनिमल्स के नेम हैं। वाइल्ड कॉल्ड शिप एंड याक आर नर्चर्ड टू गेट मिल्क एंड मीट, जो वाइल्ड गॉट है शीप है उसको किस रूप में यूज़ किया जाता है, उसे दूध लेते हैं और उसको मीट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दे प्रिपेयर पनीर फ्रॉम द मिल्क एंड या ऑफ याक एंड वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द वुल ऑफ शीप गॉट एंड याक, जो वुलन क्लॉथ है वो शीप गॉट और याक की वुल से हम तैयार करते हैं, उनके हेयर से तैयार करते हैं, और याक का जो दूध है वो यहाँ पे पनीर बनाने के काम में लिया जाता है। फिर देखिए पीपल, लद्दाख इज नॉन फॉर इट्स माउंटेनियस ब्यूटी एंड कल्चर, मोस्टली द ट्राइब लाइक इंडो आर्यन तिब्बतन लद्दाखी लाइव हेयर, यहाँ पे लद्दाखी लोग रहते हैं, इंडो आर्यंस रहते हैं, तिब्बतन्स रहते हैं, मोस्टली पीपल फॉलो बुद्धिज्म, यहाँ के मोस्टली लोग जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख रीजन सच एज हेमिस तिस्के रो, यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो संत होते हैं वो बुद्धिस्ट जो होते हैं मठ जो है यहाँ पे काफ़ी सारे पाए जाते हैं लद्दाख में। ड्यूरिंग द समर रीजन बार्ले, पोटेटोज, पी एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड हियर, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप होती है, एक तो बार्ले की होती है, पोटेटो की होती है, पी की होती है। अलॉन्ग विथ फार्मिंग एंड हाउसेस होल्ड वर्क, वुमेन आर ऑल्सो डू स्मॉल बिजनेस सच एज रनिंग अ शॉप, वीविंग वुलन क्लॉथ एक्सेट्रा। ड्यू टू लार्ज स्प्रेड ऑफ तिब्बतन कल्चर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्मॉल तिब्बत, इसको छोटे तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे औरतें घर के काम के साथ साथ में बाहर का काम भी करती है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, पीपल लिव इन सिंपल एंड ईजी लाइफ एयर, यहाँ के लोग बहुत ही सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द टूरिस्ट इंडस्ट्री, यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेनली टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर टू विजिट, यहाँ पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। मोनेस्ट्रीज, मीडोज एंड ग्लेशियर्स ऑफ द रीजन आर स्पेक्टकुलर, यहाँ पे जो मोनेस्ट्री मठ है, यहाँ पे जो घासों बड़े बड़े घासों के लैंड है, जो ग्लेशियर्स है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इट इज़ प्रिविलेज टू वॉच फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ द पीपल, दस इट इज़ वन वंडरफुल प्रिविलेज टू सी द लाइफ ऑफ लद्दाख, लाइफ ऑफ लद्दाख की लाइफ को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ की जो लाइफ है बहुत ही वंडरफुल है। द मेन सिटी ऑफ लद्दाख इज़ लेह विच इज़ कनेक्टेड बाई एयर एंड लैंड रूट, जो लेह है वो एयर और लैंड रूट से कनेक्टेड है, वो यहाँ की मेन सिटी है। नेशनल हाईवे नंबर 1A पासिस फ्रॉम हेयर, यहाँ से नेशनल हाईवे भी पास होता है। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन चेंज हैज़ बिगन टू कम इन द लाइफ, येट पीपल कीप पेस विद नेचर, पहले यहाँ पे लोग प्रकृति से जुड़े रहते थे, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे वैसे लोगों में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ। दे स्पेंड देयर लाइफ यूजिंग नेचुरल थिंग वेरी जुडिशली, वो अपनी जीवन को बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से, जो प्राकृतिक रिसोर्स उनका न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करते हैं, अपने जीवन को सामान्यतः व्यतीत करते हैं। फिर है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के बारे में हम पढ़ेंगे। द डेजर्ट ऑफ कच्छ इज़ लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात, अब कच्छ के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट गुजरात के नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान लाइज टू वेस्ट ऑफ कच्छ डेजर्ट ऑफ एंड राजस्थान लाइज
टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट। यहाँ पे पाकिस्तान और राजस्थान भी है इनके बॉर्डर पे। इट इज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, दो भाग में बांटा गया है, लिटिल रन और ग्रेट रन ऑफ कच्छ। दिस एरिया इज नॉन टू हैव फॉर्म ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। दिस डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट विच इज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वाइट डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। द क्लाइमेट हेयर इज हॉट एंड ड्राई। ये अपने कच्छ के बारे में बात की जा रही। कच्छ को दो भागों में बांटा गया, एक तो लिटिल रन और एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो है रेनफॉल भी बहुत कम होती हैं और जो कच्छ है यहाँ पे गुजरात में ही कच्छ जिला पाया गया है। ये हो गया इसी के साथ। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना कहाँ का पढ़ेंगे? कच्छ का। द बन्नी एरिया इज लोकेटेड इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ। यहाँ पे बन्नी एरिया है कच्छ में। अ वेराइटी ऑफ ग्रास एंड थॉर्नी श्रब आर फाउंड हेयर। यहाँ पे थॉर्नी श्रब भी पाए जाते हैं, कांटों वाली झाड़ियाँ पाई जाती है। टू प्रिवेंट द एडवांसिंग डेजर्ट टू ऑफ कच्छ वाइल्ड अकेसिया ट्री हैव बीन प्लांटेड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट किया जाता है? ट्री, अकेसिया ट्री, डेजर्ट मिट्टी को बचाने के लिए। फ्लेमिंगो इज फाउंड इन द लार्ज डेजर्ट ऑफ कच्छ। इन एडिशन टू दिस लॉरल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुंज क्रेन एक्सेट्रा बर्ड आर फाउंड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन। जो यहाँ पे है ना, कौन कौन सी बर्ड्स पाई जाती है उसके नाम बताए गए, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुंज, क्रेन, लॉरल, फ्लेमिंगो। और द ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो एक्सटिन खत्म होने की कगार पर है। गुटकर, नील गाय, गोल्डन फॉक्स, हेनोटारो, नार, जरक, चिंकारा, एंटलॉक एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड हियर। यहाँ पे ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। फोक लाइफ। द फोक लाइफ ऑफ कच्छ इज डाइवर्स। यहाँ की जो फोक लाइफ है उसमें काफ़ी सारी विभिन्नता है। द पीपल रियर एनिमल लाइक शिप बोर्ड। यहाँ के जो एनिमल लोग हैं वो शिप और गोट को पालते हैं, काउ बफेलो उसको पालते हैं, कैमल और डंकी को पालते हैं। पीपल इन द कोस्टल एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम शिपिंग। जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट में क्या यूज़ करते हैं? शिपिंग, फिशिंग एंड श्रिम्प फार्मिंग। ड्यू टू डिस्टिंक्ट क्लाइमेट डेट पोमोग्रेनेट, कोकोनट एंड कच्छी केसर, मैंगोज आर ऑल्सो ग्रोन इन सम। यहाँ पे ये फ्रूट्स पाए जाते हैं, मिलते हैं सबसे ज़्यादा कच्छ में। कौन कौन से? डेट, पोमोग्रेनेट, कोकोनट एंड कच्छी केसर, मैंगो। द मेन क्रॉप हेयर इज मिलेट। यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है मिलेट। सम ऑफ द पीपल ऑफ कच्छ आर एंगेज्ड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। यहाँ पे जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के कारण यहाँ के लोग जो है हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के कारण उनको रोजगार मिला है। टूरिस्ट इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। कच्छ में क्या है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसका भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। काफ़ी सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक पैराग्लाइडिंग आर ऑल्सो डेवलपिंग ड्यू टू द जियोग्राफिकल फ्लैट कंडीशन ऑफ कच्छ। जियोग्राफिकल फ्लैट कंडीशन होने के कारण कच्छ की यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एडवेंचर एक्टिविटी गतिविधियाँ भी डेवलप हुई है। इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको इसका ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया है, तो बच्चों इसको आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और आगे इसकी एक्सरसाइज के लिए इस चैप्टर को, इस चैनल को आगे देखते